आज मैं आपको फाइबर के बारे में बताऊंगा कि फाइबर क्या है, क्या उसका फंक्शन है, कहां से आपको मिल सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट है, क्यों आपके लिए जरूरी है फाइबर इनटेक। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ ग्रेन्स और कुछ बीन्स रखे हुए हैं। ये सारे फाइबर सोर्स है मेरे पास यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फाइबर के बारे में बताऊंगा कि फाइबर क्या है, फाइबर क्या करता है। आपको मालूम है फाइबर आपकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, राइट। और फाइबर कोई भी फूड, जब आप फाइबर रिलेटेड फूड खाते हैं, कोई भी फूड जिसके अंदर फाइबर्स हो, वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और आपकी बॉडी से जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट, उसको बाहर निकालता है। फाइबर बहुत जरूरी है आपके वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। फाइबर्स जो प्लांट फूड है उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं, जो एनिमल फूड है और डेयरी प्रोडक्ट्स है और पोल्ट्री है उसके अंदर फाइबर नहीं होता। सो फाइबर्स दो तरह का होता है, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। फाइबर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, फाइबर आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकले। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मतलब कब्ज की प्रॉब्लम है, उनका कारण ये है उनकी डाइट में फाइबर्स की कमी है, उनकी डाइट में फाइबर नहीं है। वो जो भी खा रहे हैं वो होल ग्रेन नहीं खा रहे हैं, वो ज्यादा पोल्ट्री खा रहे हैं, जहां आप ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ज्यादा आप एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, लेकिन आप प्लांट जो फूड है वो कम खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो वो होल ग्रेन नहीं खा रहे हैं, जिस तरह से आप व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पोटैटो, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, इस किसी के भी अंदर फाइबर्स नहीं है। और उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम। उसके साथ जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसका कारण भी यही है कि आपकी डाइट में फाइबर्स नहीं है। क्योंकि अगर फूड के अंदर फाइबर हो तो आपके ब्लड को स्पाइक नहीं करता, आपकी जो बॉडी स्लोली एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, जो बहुत ही जरूरी है। तो आप अपनी डाइट में प्लांट फूड इंट्रोड्यूस करें। यहाँ पर मेरे पास जो है फूड है, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है दाल, ये है येलो लेंटिल, उसके बाद मेरे पास है ब्लैक लेंटिल, देन किडनी बीन, राजमा, चिक पीस मतलब व्हाइट चने, देन आई हैव अ ब्राउन राइस, ओट मील, होल व्हीट और होल ग्रेन पास्ता, और सबसे लास्ट में होल ग्रेन सीरियल्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आपकी जो डेली रिकमेंडेशन है फाइबर्स की, वो मेन के लिए अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर डे, वेमेन लाइक 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर डे। उसका मतलब है कि आपको, अगर आप दिन में 5 मील कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर हर एक मील में चाहिए। अगर आप 3 मील ले रहे हैं दिन में, तो आपको लगभग 8 से 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए। अगर आपकी किसी भी मील में फाइबर नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। तो कॉन्स्टिपेशन जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट है, आप खा तो रहे हैं लेकिन इट्स नॉट कमिंग आउट, सो दैट्स ऑल वेस्ट। अगर आपकी बॉडी के अंदर वो स्टे करेगा, आपको प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। सो फाइबर आपकी, आपके जो न्यूट्रिएंट्स आप फूड खा रहे हैं, उसको पुश करता है, ताकि वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाए। उसके बेनिफिट लेने के बाद वो आपकी बॉडी से सारा वेस्ट बाहर आ जाता है। दैट्स अ पावर ऑफ फाइबर्स। मेक श्योर यू ईट एटलीस्ट 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर अ डे। ये रिकमेंडेशन है फूड ड्रग एसोसिएशन की तरफ से। डेफिनेटली जो लोग एक्टिव हैं, आई वुड रेकमेंड 30-35 ग्राम्स ऑफ फाइबर अ डे। जिस तरह से एक कप जो लेंटिल है, इसके अंदर लगभग 4-5 ग्राम्स फाइबर होगा। सेम बीन्स के अंदर 3-4 ग्राम फाइबर है, और ओट्स के अंदर 3 ग्राम फाइबर है, पास्ता के अंदर 3 ग्राम्स है, होल ग्रेन सीरियल्स के अंदर 5 ग्राम्स है, ब्राउन राइस के अंदर लगभग 5 ग्राम्स है, और ये व्हाइट चने इसके अंदर लगभग 5-6 ग्राम है, ब्लैक चने इसके अंदर 5-6 ग्राम है। सो आप देख सकते हैं, एक सर्विंग अगर आप इसकी लें तो 5-6 ग्राम आपको फाइबर्स मिलता है। उसके बाद आप होल व्हीट ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके अंदर काफी फाइबर्स होते हैं, एप्पल, पेयर, ग्रेप फ्रूट, काफी ज्यादा इसके अंदर फाइबर्स है। ऑल्सो आपको दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्युबल फाइबर है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और अगर आप पानी कम पिएंगे तो वो वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर नहीं आएगा। सो आप अपनी डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए फाइबर अपनी डाइट में ऐड करें। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइबर।